हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड जो लोगों के डाउट्स होती है उसको मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा जो वीडियो है जिसमें लोगों जो हमने भूमि अधिग्रहण के बारे में पूरी डिटेल्स बताई है उसमें लोग बहुत सारे क्वेश्चन हमसे कर रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में 5 डाउट्स को क्लियर करूंगा। क्योंकि उससे ज्यादा किया तो वीडियो लंबी हो जाती है और फिर लोग ज्यादा लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते, तो मैं 5 5 डाउट्स करके और वीडियोज बनाते रहूंगा। तो यहाँ पर जो पहला लोगों की डाउट है कि ये अलाइनमेंट कौन से रोड से हाईवे जाएगी वो कैसे डिसाइड करते हैं। तो उसके लिए जब डीपीआर बनती है, रोड बनाने से पहले जो डीपीआर बनती है, तो डीपीआर में 2 3 अलाइनमेंट्स को एक साथ स्टडी करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा अलाइनमेंट में सबसे कम स्ट्रक्चर्स पड़ेगा, जिसमें कम सबसे कम घरों को तोड़ना पड़ेगा, जो बंजर जमीन है उससे कौन जा रहा है, फॉरेस्ट जिसका डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है। तो इस तरीके से वो एनालाइज करते हैं कौन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसमें पड़ रहा है, किसको बनाना इजी है। तो ये सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद एक अलाइनमेंट को फाइनल किया जाता है और उस रोड पे फिर आगे की जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई की जाती है। तो इस तरीके से अलाइनमेंट फाइनल करते हैं। सेकेंड डाउट है कि 3 स्मॉलर क्या होता है। नेशनल हाईवे जमीन अधिग्रहण करने के लिए एनएच एक्ट 1956 बनाए हुए हैं। उस 1956 में जो आर्टिकल 3 होती है उसके अंदर सब सेक्शन है, 3 स्मॉल है, 3 कैपिटल है, 3 बी, 3 सी, 3 डी, तो वही आर्टिकल्स हैं जिसको शॉर्ट में 3 स्मॉल बोलते हैं। तो 3 स्मॉल जो होता है उसमें जमीन अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार का यह कर्तव्य होता है कि वो एक अधिकारी को नियुक्त करे कंपिटेंट अथॉरिटी के रूप में, क्योंकि बाद में जो भी भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड काम होगी उन्हीं कंपिटेंट अथॉरिटी के थ्रू संपन्न किया जाता है। लोगों की जो डाउट्स है, जो उनकी परेशानियां है, वो कंपिटेंट अथॉरिटी को ही सोल्व करना होता है। तो इसके लिए जैसे मध्य प्रदेश में जो SDM होते हैं उनको कंपिटेंट अथॉरिटी बना देते हैं, बाहर में जैसे पंजाब है, हरियाणा में है, वहां पर डिस्ट्रिक्ट लैंड ऑफिसर जो होते हैं उनको कंपिटेंट अथॉरिटी बनाया जाता है। तो कंपिटेंट अथॉरिटी और उस कंपिटेंट अथॉरिटी के अंदर कौन कौन सा विलेज उनके क्षेत्र में आता है, वो जो जो जिससे होके रोड गुजर रही है उसको एक राजपत्र में प्रकाशित करते हैं जिसको 3 स्मॉल बोलते हैं। सेकंड डाउट है कि 3 कैपिटल क्या होता है। 3 कैपिटल होता है कि जब एक बार जमीन अधिग्रहण करने के लिए अलाइनमेंट बना दिया जाता है, लैंड एक्विजिशन प्लान जो खसरा होती है पटवारी के पास उस पे रोड बनाई जाती है और फिर वहां से देखा जाता है कि कौन सा खसरा प्रभावित हो रहा है, उस खसरे से कितना जमीन अधिग्रहण किया जाता है, किया जाना है, उसको एक राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है जिसको 3 कैपिटल बोलते हैं और उसको पेपर में भी बाद में प्रकाशित कर दिया जाता है ताकि लोगों को भी पता चल जाए कि कौन से खसरे से कितना जमीन अधिग्रहण किया जाना है। अब जब वो पेपर में प्रकाशित किया जा सकता है तो हो सकता है कि लोगों का कुछ डाउट्स हो, उनको कुछ ऑब्जेक्शंस हो। ऑब्जेक्शंस ऐसा नहीं कि हम रोड बनाने नहीं देंगे या हम नहीं चाहते कि यहाँ से रोड बनाए, इस तरीके की ऑब्जेक्शन नहीं। ऑब्जेक्शन ऐसा कि आपका खसरा का बटांकन उसमें नहीं दिया हो या आपका जमीन ज्यादा जा रहा है लेकिन उसमें जमीन कम दिखाया गया है, तो इस तरीके के जो आपके ऑब्जेक्शन है उसको आप जो कंपिटेंट अथॉरिटी जिनको बनाया गया है उनके ऑफिस में आप जाके लिखित में आप कंप्लेन दे सकते हैं और 21 दिन का समय होता है पेपर में प्रकाशित होने से। फिर 21 दिन बाद जब कंपिटेंट अथॉरिटी जो होते हैं देखते हैं कि उनके ऑफिस में कितना कंप्लेंस आया, फिर उसके लिए वो एक डेट डिसाइड करते हैं और उस डेट में वो सारी कंप्लेंस को पब्लिक हियरिंग जिसे बोलते हैं सारे लोगों को बुलाया जाता है और उनकी एकम करके जन सुनवाई किया जाता है, उनकी प्रॉब्लम्स को निराकरण किया जाता है। तो 3 कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बाद में जब अवार्ड मुआवजा बनती है, अवार्ड बनती है, तो उसमें जो हम कलेक्टर का रेट देते हैं, कलेक्टर का रेट हर साल चेंज होती रहती है। तो अगर 3 कैपिटल 2019 में प्रकाशित हुआ, अवार्ड मेरा मान लो 2022 में भी अगर बन रही है, तो जो कलेक्टर का रेट लिया जाता है वो 3 कैपिटल 1 के जिस साल प्रकाशित हुआ उस साल के कलेक्टर रेट को उठाया जाता है और फिर 3 कैपिटल से अवार्ड बनने के बीच में जितना दिन का लेट होता है उतना दिन तक 12% का ब्याज जमीन के मालिक को दिया जाता है। तो ये 3 कैपिटल के साल इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसी साल का कलेक्टर रेट उठाया जाता है, इस दिन से 12% लोगों को जो ब्याज है वो दिया जाता है। और 3 कैपिटल हो जाने के बाद फिर 3 बी आता है। 3 बी में फिर लोग क्या है जमीन पे जाके सर्वे करते हैं। तो ये 3 कैपिटल है जो राजपत्र में और साथ ही साथ न्यूज पेपर में प्रकाशित किया जाता है। उसके बाद है कि
लोगों के जमीन में जब सर्वे करने लोग जाते हैं तो बोलते हैं अरे हमें तो मुआवजा मिला नहीं, आप मेरे जमीन में आके सर्वे करने लग गए। तो उसके लिए ये डाउट्स बहुत सारे लोगों को होता है कि जमीन पे सर्वे कब से स्टार्ट हम करने दें। तो उसके लिए है कि जब 3A हो गया उसके बाद 3B आता है। 3B में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर हो जाती है कि वो अपने आदमी को भेज के वो जमीन पे सर्वे करा सकते हैं। तो 3A के बाद जाके लोग सर्वे कर सकते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर आ जाती है। और सर्वे में वो हो सकता है वहाँ कुछ पिलर गाड़ेंगे या उनको कुछ तरीके की वहाँ कोऑर्डिनेट उठाना है। तो इस तरीके की सर्वे का काम जो है 3A के बाद 3B में ये सारे काम स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ हमने 5 डाउट्स को क्लियर किया। नेक्स्ट और भी डाउट्स को मैं अलग वीडियो में क्लियर करते रहूंगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।